अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर योगी सरकार ने कमर कस ली है। समारोह को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य साफ सफाई और मेहमानों के स्वागत के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने संबंधित विभागों को इन्हें लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए। हेम प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए यूपी के सभी स्कूलों कॉलेजों में 22 जनवरी का अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा तक हर देव मंदिर में राम भजन का आयोजन किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को हर घर मंदिर और घाटों पर दीपोत्सव कार्यक्रम के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सरकारी इमारतों को सजाया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को साफ सफाई और घर घर ज्योति जलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुरक्षा को लेकर भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे शहर की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। जो कंट्रोल रूम से कनेक्ट होंगी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी। एसडीआरएफ बोट से सरयू में पेट्रोलिंग करेगी। नाविकों को लाइफ जैकेट और आई कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी टेंट सिटी में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, हवा में एंटी ड्रोन सिस्टम पेट्रोलिंग और बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा होटल और रिजॉर्ट की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में भी ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। ज्यादातर वीवीआईपी लखनऊ से होते हुए अयोध्या जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर सख्त निर्देश प्राण प्रतिष्ठा के दिन। अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में डॉक्टरों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। टेंट सिटी में 10 बेड के अस्पताल की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार ने अयोध्या में साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। ऐसे में मुख्य मार्गों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर गंदगी न हो। 14 जनवरी से स्वच्छता अभियान चलाया जाए। शहर को प्लास्टिक रहित और डस्टबिन लगें, शौचालयों की सफाई सुनिश्चित हो। लखनऊ वाराणसी प्रयागराज से अयोध्या तक ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था हो। कुंभ मेले के तर्ज पर सफाई का की व्यवस्था हो। श्रद्धालुओं को लेकर दिए ये आदेश राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में आश्रय स्थलों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, पार्किंग की व्यवस्था, जगह जगह अलाव की व्यवस्था, भोजन और भंडारे का आयोजन, पीने के लिए पानी और टूरिस्ट ऐप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक और यातायात को लेकर दिशा निर्देश अयोध्या आने वाली बसों की संख्या बढ़ेगी। यहां से हमेशा बसें मिल सकेगी। बसें टाइम टेबल से चलेंगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा और पिंक ऑटो की व्यवस्था की सुनिश्चित होगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाए। यात्रा मार्ग पर साइन बोर्ड की संख्या बढ़ाई जाए और जगह जगह बैरिकेटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइस, अयोध्या में जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती और 2400 किलो का जो है घंटा माना जाएगा दोस्तों, जिसकी आवाज, जिसकी गूंज जो है लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में होगी। तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट और नॉलेजबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।